और अब भी मैं ब्लॉग शायद नहीं बनाऊंगी और मन कर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये 10 मई का ब्लॉग है, इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे भी मैं गेट ओपन किए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सनलाइट आती है ना हमारे इस वाले रूम में, क्योंकि जाती हुई धूप पूरी हमारे घर पे ही आती है तो इसलिए मेरे को ना गेट बंद ही रखने पड़ते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा हीट होता है ये वाला रूम, तो ऑल टाइम मतलब एसी ऑन करके भी रखना पड़ता है। तो ये है, लेकिन हम लोग ग्रीन वाला जो कर्टन डला हुआ है ना बाहर, उसको भी लगा देती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आज मैं लगाना भूल गई थी, बाहर नहीं निकली तो फिर मैंने लगाया ही नहीं। और आज मॉर्निंग में मैंने बालकनी क्लीन नहीं की थी तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं पौधों को पानी दे देती हूँ और बालकनी भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। पौधों को एक टाइम तो पानी देना ही देना है, दो टाइम भी दे सकते हो, तो मैं तो एक ही टाइम देती हूँ, बस शाम के टाइम देती हूँ, जिससे रात भर वो ठंडक में रहें आराम से। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वाइपर भी लगा दूंगी और पौधों में से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा निकलती है, स्पेस भी बहुत कम है ना बालकनी में, तो जितना हो सकता है उतना मैं क्लीन कर देती हूँ इसको। और बस अभी मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हेयर्स में बहुत दिन से ऑयलिंग नहीं की है, मतलब जब भी मुझे हेयर वॉश करने होते तो मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करती ही करती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली अब आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, बहुत कम होता है ना मैं इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, पहले नहीं कर रही थी, फिर हिम्मत आ गई, मैं उठ गई तो मुझे लगा कि चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं काम तो मुझे करना ही है, तो सोचा व्लॉग भी बनता रहेगा, आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। कल जैसे कि लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखाया कि ये बाहर गए हुए थे, तो वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं कल मॉर्निंग में निकलूँगा, लेकिन अभी इनका फ़ोन आया कि मैं निकल आऊँगा अभी, तो लेट नाइट तक मतलब वो आ जाएंगे, लेट नाइट मतलब 1:30-2 बज सकता है उनको आने में, तो वो निकल आएंगे। तो फिर मुझे खुशी हो गई, मैं उठ गई और सुबह से पता है मैं ऐसी बस लेटी हुई थी, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। और देखो आज मेरा वीकनेस हो जाती ना मुझे, तो फिर मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, देखो कितने बाल निकल गए अभी। तो आज मैं अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ, मैंने हेयर वॉश नहीं किया बहुत दिन से, तो मैं सोच रही हूँ कल तो थर्सडे रहेगा तो आज वेनसडे है, 10 मई है आज, और ये आ जाएंगे रात को। तो अभी मैंने बालकनी क्लीन की क्योंकि मॉर्निंग में नहीं की थी, मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेट हो जाती है फिर इतना धूप आ जाती है, फिर मैंने नहीं की, मैंने सोचा छोड़ो। अभी मैंने पौधों को पानी दिया है और बालकनी भी साफ़ कर दी मैंने, क्योंकि वही डस्ट मिट्टी फिर पैर अंदर आते हैं ना तो घर भी गंदा होता है, और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि कितनी आती है डस्ट मिट्टी, तो बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी भी थोड़ा सा मैंने बेड ठीक किया, थोड़ा सा डस्टिंग भी किया, मैंने बेड पे दिख रही थी मुझे, ये सारे काम किए छोटे मोटे से, और अभी सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ऑयलिंग मैंने कर ली, अभी मेरा ऑयल ख़त्म हो गया है जो मैंने बनाया था, तो अभी मैंने यही कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है, ये ख़त्म होने वाला है, दूसरी बॉटल रखी है तो ये कोकोनट ऑयल मैंने अप्लाई किया बालों में। इसके अलावा मैं अभी और कोई नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मुझे डिनर भी रेडी करना है, तो ये तोरी लेके आए थे बहुत ही फ्रेश थी, कल लेके आए थे ना मैंने आपको दिखाया था, और बहुत सॉफ्ट भी है, तो मैं सोच रही हूँ बहुत सिंपल सा बनाऊँगी, कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं है, तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। आपने देखा कि अभी दही बिल्कुल तरह से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खाना है, तो दही का भी कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, दही हालांकि है फ्रिज में, तो वैसे मेरा रायता खाने का बड़ा ही मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते ना, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। तो दही का मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन इडली वगैरह बनाऊँ ना तो उसका बैटर बनाने के काम में आ जाएगा, या तो फिर कढ़ी बना डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो अभी बस मैंने सिंपल सा बनाना है, फ़ोन पे इनसे पूछ लिया कि तोरी की सब्ज़ी रोटी बनाऊं, तो ये तो बहुत लेट आएंगे, अगर ये बाहर से खा के आएंगे तो फिर सिर्फ मुझे ही खाना है, और ये बता देंगे मुझे 10-11 बजे तक, और अगर नहीं खा के आएंगे तो फिर ये खाएंगे आकर के। तो मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर से, तो बहुत टाइम है, पहले तो मैं अपनी चाय लेने जा रही हूँ, चाय पीती हूँ, थोड़ी सी कंघी करूँ, मैंने कल से कंघी नहीं की अपने बालों में बिल्कुल भी, तो बहुत ही गंदे से मेरे बाल हो रहे हैं, बालों पर मत जाना, अभी ऑयलिंग की अच्छे से
अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले कंघी करूँगी और फिर दियावती करूँगी और फिर मैं अपने लिए चाय लेके आऊँगी जो मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर डिनर वगैरह देखेंगे। अभी बर्तन साफ करके आई हूँ, बहुत सारे बर्तन रखे थे किचन में मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के। ब्रेकफास्ट में मैंने दलिया ही बनाया था, लंच किया था मैंने दाल चावल और अभी मैं सब्जी रोटी बनाऊँगी, तो बस वही है, देखते हैं चलो करते हैं। तो ऑयलिंग करने के बाद भी ना बहुत अच्छा फील होता है और बस अच्छे बालों को मैं बन बना लूँगी क्योंकि अभी मुझे करने हैं काम। और आप लोग कौन सा ऑयल लगाते हो अपने अपने बालों में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया हुआ है, अभी मैं बहुत टाइम से इसी को फॉलो कर रही हूँ। नहीं एक्चुअली मैं घर पे बनाया हुआ ऑयल यूज़ कर रही हूँ लेकिन वो ख़त्म हो गया है, कोकोनट ऑयल से ही बनता है तो इसलिए मैंने इसको लगाया अभी। और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, तो मेरी चाय यही होती है सौंफ का पानी, इसको बॉयल करती हूँ और फिर मैं इसको सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने यहाँ पे आरती कर ली है, मंदिर में भी दिया बत्ती कर दी है, तुलसा जी पे भी दीपक लगा दिया। थोड़ा सा राइस रखा हुआ था जिसको मैंने फ्राई कर दिया है बहुत ही लाइट, थोड़ा सा कढ़ाई ना कल के पापड़ मैंने फ्राई किए थे इसमें डालते हैं। ये मुझे भी तोरी बनानी है, तोरी मैंने निकाल के रख दी है। आरती वगैरह सब कुछ हो गया है, थोड़े से मॉर्निंग के ये रखे हुए थे, लंच बनाया था मैंने तो मैंने इसको बढ़िया प्याज व्याज डाल के फ्राई करके खाने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं ये खा रही हूँ। पहले आरती वगैरह सब हो गई है, फिर अभी चाय पी ली मैंने, उसके बाद मैं डिनर रेडी करूँगी। तो थोड़ा सा बचा दिया है मैंने, अगर ये खाएँगे तो, नहीं तो फिर मैं खा लूँगी डिनर के साथ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बचा हुआ राइस ऐसे फ्राई करके खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। कितने लोग ऐसे करके खाते हो मुझे ज़रूर बताना। तो ये जो खरबूजा होता है मतलब बट्टी होती है और जो तरबूज होता है इसमें से ना बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, तो मैं इसको खड़े होकर के कट करना ही पसंद करती हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ के करूँगी तो बहुत ज़्यादा फैलता है, चींटी लगती है, मक्खी लगती है, इसलिए मैं इसको मैं किचन में खड़े होकर ही कट करती हूँ। और इसको कट करने में बड़ा आलस भी आता है तो मैं कट करके इसको फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ, इससे आराम से जब मन करे तब निकालो और खाओ आराम से, ठंडा ठंडा बढ़िया तो टेस्टी लगता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस इनका फ़ोन आ गया आधे घंटे पहले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने खाना खा लिया है, मैं खा कर ही आ रहा हूँ। तो ट्रेन में बैठने से पहले उन्होंने अपना डिनर जो है वो कर लिया है, तो मैंने सोचा कि यार फिर मैं क्यों बनाऊँ पूरी की सब्जी, है ना, सुबह फ्रेश बना लेंगे, उसके साथ दाल हो जाएगी तो लंच हो जाएगा। तो मेरे पास एक आलू रखा हुआ था बॉयल तो मैंने क्या किया, एक आलू की टमाटर की सब्जी बनाई। और पता है सब्जी मैंने किस में बनाई है, इसमें बनाई है जिसमें हम तड़का लगाते हैं ना। यार अकेले के लिए खाना बनाना मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है मुझे पूछो मत बस, हालांकि हम दोनों के लिए बनाते तो नहीं आता मुझे आलस, लेकिन खुद के लिए खाना बनाने में बहुत बड़ा आलस आता है। आप लोगों को आता है कि नहीं आता जरूर बताना। आटा देखो किस में लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ मैं, बस दो रोटी का लगा रही हूँ। और सब्जी जो है ना दूसरे बर्तन में करती है मैं ना, वो बॉयल हो रही है क्योंकि इसमें से निकल रही थी, तड़का मैंने इसमें ही लगाया है, लेकिन टमाटर बढ़िया दी मिर्ची के साथ में लगाया है और बस आटा लगा के मैं रोटियाँ बनाऊंगी। तो ये तो अपना डिनर करके आ रहे हैं तो अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं खा लूँगी अपनी अपना खाना बना के मैं खा लेती हूँ। और मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ, अभी 9:30 बज चुके हैं, डिनर टाइम भी हो गया है, क्योंकि मैंने राइस खा लिए थे ना इसलिए फिर मुझे भूख नहीं थी। लेकिन फिर मैं इसलिए खाना बना रही हूँ कि मुझे ना रात को भूख लगती है अगर मैं प्रॉपर डिनर नहीं करूँगी, राइस ना जल्दी पच जाता है इसलिए। तो सुबह भी मैंने चपाती नहीं खाई थी इसलिए मुझे दो रोटी खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं फटाफट से अपने लिए दो रोटी बनाऊंगी और फिर हो गया हमारा डिनर।
तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था और फिर मैंने एक्स्ट्रा भी रोटियां बना दी थी। मुझे लगा कि शायद रात को इनको भूख लग गई, अचानक से बोल दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने एक दो रोटियां एक्स्ट्रा बना के रख दी थी। अभी नेक्स्ट डे हो गया दोस्तों, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया और साथ में थोड़ा सा जो खरबूजा है वो ले लिया है। तो ये बहुत रात को आए हुए थे तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, फिर 2 बजे के समथिंग ये आए हुए थे, फिर बातें आते की तो फिर हम लोग सो गए। फिर मॉर्निंग में ही मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि ये खाना खा के आए थे तो इन्हें भी भूख लगी थी, मतलब जल्दी उन्होंने डिनर कर लिया था अपना, टाइम से पहले ही कर लिया था। कल बाहर का खाना खाया था तो बोले कि जल्दी से कुछ खाने को बना लो, तो मैंने फिर पोहा ही बनाया और फटाफट से बन गया ये। तो दोनों लोग यहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर इन्होंने रात को खाना नहीं खाया, रोटियाँ बच गई थी। तो अभी बस यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम है, आपको सीधा मैं इवनिंग में मिल रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल दी अपने लिए, काजू किशमिश, तो अभी ये मैं अपने पास में रख लूँगी, थोड़े थोड़े मैं इनको खाती रहूँगी। तो अभी कुछ दिन से मेरा यही रूटीन चल रहा है, ज़्यादा मैं काम नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बैठ करके आराम से खा रही हूँ पी रही हूँ और ऐसे लेटी रहती हूँ, तो फिर ज़्यादा ब्लॉग करने का मन भी नहीं करता। A few moments later. तो मैंने इनको मार्केट भेजा हुआ था कि थोड़ा बहुत सामान ले आओ, मतलब सब्जी फ्रूट्स वगैरह ले आओ, तो नारियल पानी एंड तरबूज और लौकी लेके आए हैं। और ये देखो बाबू, इसका कोई टाइमिंग नहीं है भाई हमारे घर आने का, ये कभी भी आती है मैडम। तो मैंने बोला कि खाओगी, तो बोला हाँ मेरे को आलू खाना है, तो इसने फिर मेरे साथ थोड़ा सा ये पुलाव भी खाया और आलू भी खाया और इसको बहुत पसंद भी आया। तो हम दोनों ही अभी डिनर कर रहे हैं अपना यहाँ पे, तो डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो डिनर कर लिया है, मैंने सोचा तरबूज को मैं ऐसे ही छोड़ूंगी तो कहीं बाहर ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सोचा इसको कट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी इतनी रात को तो हम खाएंगे नहीं, तो अभी मैं इसको कट करके फ्रिज में रख रही हूँ, जिससे सुबह मैं इसका जूस बना सकूँ या तो फिर मैं इसको ऐसे ही खा सकूँ, ठंडा भी हो जाएगा। और जब भी कोई फ्रूट्स होता है मैं इसको मतलब ऐसे देखती जरूर चेक करती हूँ कि स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी का बहुत टाइम है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग परसों से बन रहा है, आज इसका 3rd डे है, बट इसको मैंने एंड नहीं किया, सोचा कि चलो मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। दोस्तों शायद अभी कुछ दिनों तक व्लॉग ना आए, ये लास्ट व्लॉग हो सकता है शायद इस मंथ का, क्योंकि मैं अभी शायद व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये परसों ही आ गए थे रात को, कल तो मेरे साथ ही थे पूरे दिन भर, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको इस ब्लॉग में अपडेट भी कर देती हूँ कि आप लोग वेट ना करें। मैं कमेंट्री डालने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मुझे देना ही है, रखा है तो एडिट करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी मैं नारियल पानी पी रही हूँ, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, दूध दलिया खाया, उसके बाद ये चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है मुझे और खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है, बस बैठे 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 या लेटे लेटे मेरा टाइम निकल रहा है अभी। और मैंने 2 दिन से अपने बालों को खोला ही नहीं है, जिस दिन मैंने ऑयलिंग की थी ना परसों, हाँ तो उस दिन से मैंने अपने बालों को बिल्कुल उससे बांध के रखा था ना, तो सोचा अभी खोल देती, थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही थी। पूजा करके फ्री हुई हूँ मैं अभी, और बस अभी मैं यहाँ पर ये नारियल पानी पी रही हूँ, इस ब्लॉग का एंड कर दे रही हूँ दोस्तों। और ये अभी ये थोड़ी देर में आने वाले हैं अभी, फिर मैं लंच वगैरह रेडी करूँगी, बहुत ये मेरी हेल्प कर रहा है, इतनी ज़्यादा हिम्मत देते हैं मुझे, मेरे को तो रोना ही आने लग जाता है, फिर ये मतलब हर चीज़ में मेरा मतलब हाथ बटा रहे हैं, मुझे सच बता रही हूँ अभी। वैसे ऐसी हालत मेरी होती नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, पता नहीं क्यों, पता है लोगों को ना हमारी लव मेरे से परेशानी है, जैसे कि मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले और भी मेरे रिलेटिव्स हैं, वो लोग बातें बनाते रहते हैं, लेकिन यार मैं बस ये कह रही हूँ अगर मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा ना, तो मैं हर जन्म में लव मैरिज करना पसंद करूँगी। बहुत अच्छा भी ये है नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत केयरफुल, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं यार, क्या बोलूँ उनके लिए, शब्द ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, ऐसा नहीं है वो मेरी चिंता करते हैं यार। सभी हस्बैंड होते हैं मुझे पता है, सभी होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट हस्बैंड, मेरी लाइफ में बेस्ट
लाइफ पार्टनर है, मुझे और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होती है। मैं हर जन्म में इनको ही मांगूंगी भगवान जी से। बहुत बातें बनाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या है उनकी थिंकिंग होती है, समझ नहीं आता, लेकिन भगवान करे ऐसा ही लाइफ पार्टनर हर किसी को मिले। बहुत बातें सुनी हमने बहुत ज़्यादा, लेकिन आज क्या है, मैं सुखी हूँ, हम दोनों साथ हैं। लव मैरिज बहुत कम सक्सेस होती है, आपने देखा ना, बहुत कम लव मैरिज सक्सेस होती है, कर तो लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा, है ना। लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है ना तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है, बस आप खुश हैं ना तो पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छे से निकट जाएगी। कल रात को लेके आए थे ये, फिर रात को तो मैंने पिया नहीं, फ्रिज में रख दिया था, बढ़िया ठंडा हो गया है, अभी एक और रखा हुआ है। अब मैं लंच में तो देख रही हूँ क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं लौकी लेके आए हैं, ये पालक मंगाया था मैंने, तो लौकी की सब्जी और रोटी, सिंपल सा खाना बन रहा है अभी हमारे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ शेयर करने वाला नहीं है। और अब भी मैं ब्लॉग शायद नहीं बनाऊँगी, और मन करेगा तो अगर इन्होंने शूट कर दिया ना थोड़ा बहुत तो फिर उसी को जोड़ तोड़ के मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अदरवाइज़ फिर अभी ब्लॉग आपको नहीं मिलेंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।